जी आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर गूबी सिनेमन बंस। चीजें आपको दिखा देते हैं। पानी आपको चाहिए लूक वार्म वाटर यानी कि कोसा पानी। यहाँ पर आप देख लें दिस इज एक्टिव ड्राई ईस्ट आपको चाहिए। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए चीनी यानी कि शुगर, मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर आपको चाहिए, दूध जो घर में सादा हम इस्तेमाल करते हैं होल फैट मिल्क चाहिए होगा, शुगर यानी कि चीनी, मेल्टेड बटर यानी कि पिघला हुआ मक्खन दिस इज अनसॉल्टेड, और अंडे आपको चाहिए होंगे, सॉल्ट यानी कि नमक, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल होगा, दोबारा आपको मेल्टेड बटर चाहिए होगा। आप इंशाल्लाह जब आप फुल रेसिपी देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल उसी तरह लिखूंगी जिस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। फिर आपको चाहिए दोबारा से ब्राउन शुगर, अखरोट यानी कि वॉलनट्स, मेल्टेड बटर दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, और सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर। ये देखें इसमें चीनी और बार बार मक्खन जो इस्तेमाल होता है देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है गुई सिनेमन बंस। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। एक अलहदा बोल ले लीजिएगा, इसमें हम डाल रहे हैं वो लूक वार्म वाटर यानी कि कोसा पानी, ड्राइड यीस्ट बीच में जा रही है, चीनी यानी कि शुगर बीच में जा रहा है स्वीट वाला, ताकि इसको राइस करने में बहुत अच्छी तरह ये हेल्प करता है। तो आप क्या करेंगे चमचे के साथ में इसको अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्सअप कर लें ताकि जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे इसके जो बीज से होते हैं इसके ये बीच में मिक्सअप हो जाना चाहिए, और आप फिर इसको छोड़ देंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए, उसके बाद बाकी का काम तब करेंगे। तो इसको राइस हो जाने का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर पैन के अंदर जो है आपने दूध को गर्म करना है, गरम इतना करना है कि जैसे आप देखेंगे कि साइड पर बबल्स बनने शुरू हो गए। फिलहाल बबल्स नहीं बन रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। तो जैसे आप देखेंगे कि साइडें इसकी बबल अप कर रही हैं आप चूल्हा फौरन से पहले बंद कर देंगे। सिर्फ हमने इसको इतना गर्म करना है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट चीज आगे क्या ऐड की जाएगी। बस इतना किया, चूल्हा यहाँ पर बंद हो गया। इसी में अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपकी शुगर है यानी कि चीनी, मेल्टेड बटर, और बीच में जाएगा मक्खन सॉरी नमक। ये मिक्स कर लें अच्छी तरह। देखिए साड़ी थोड़ी सी इसकी जल गई हुई लेकिन कोई बात नहीं, बाद में इसको वॉश कर लेंगे, लेकिन आपको दिखाना जरूरी था। अच्छी तरह मिक्सअप कर लें, थोड़ा सा इसको जो है लूक वार्म हो जाने दें, इस वक्त ये बहुत गर्म है, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना। आप देख लें 10 मिनट तक ईस्ट पड़ी रही इस तरीके से, इसको जो है बिल्कुल फूल जाना चाहिए, तब आपके जो बंस हैं, ब्रेड्स हैं, पिज्जा डो, जिसमें भी आप ड्राई डीज का इस्तेमाल करते हैं वो फिर परफेक्टली राइज होता है। अगर यू राइज ना हो तो समझें कि आपको स्क्रैच इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होते हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना होता है। एनीवेज बैक टू द सिनेमन बंस। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक लैदा बोल लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जो आपका दूध का मिक्सचर था जो आपको बताया। ये लूक वार्म होना चाहिए, इसको इंटायरली ठंडा नहीं होना चाहिए। बीच में जा रहा है आपका ये जो ईस्ट का मिक्सचर था, तमाम जो उसकी साइडों पे ईस्ट जमी हुई है ये भी बीच में डाल दीजिएगा क्योंकि यही इसको हेल्प करेगी बंस को राइज होने में। उसके बाद जो दो अंडे आपको दिखाए थे वो आप बीट कर लेंगे, वो भी बीच में डाल लेंगे। चलेगी चीज़ें सारी बीच में आपके सामने। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें दो यहाँ पर फ्लावर्स पड़े हुए था, ये वही मेजरमेंट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये वही फ्लावर है, लेकिन इसे आपने इस्तेमाल आराम से करना है। पहले आप जो है 1.5 कप यानी कि 1.5 कप एक जगह कर लीजिएगा, बाकी का इसमें है। मेजरमेंट्स के लिए जब मेरी वेबसाइट पर जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कितना आपने पहले डालना और कितना बाद में। तो यहाँ पर जो 1.5 कप है इन चीज़ों को आप मिक्स कर लें पहले, और मिक्स करने के बाद आप इस 1.5 कप को इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा लंपी सा बन रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि लिक्विड ज़्यादा है और मैदा कम है। ये इसमें मिक्स कर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि तकरीबन आप हमेशा कहते हैं कि मेजरिंग कप्स में आपको दिखा दूँ तो देख लें कुछ वो यूँ दिखते हैं जो मेरे मेजरिंग कप्स होते हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आधा कप करके आप ऐड करेंगे बीच में मैदे को, और आप इसको चमचे के साथ में वुडन स्पून इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रा थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ हाथ डाला तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल इस वक्त ये लेवी की तरह है, ये देख लें बिल्कुल स्टिकी है। तो ये चीज़ जो है इसको पहले हमने ख़त्म करने के लिए इसीलिए एक वुडन स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप डालेंगे 1.5 कप और उसके बाद आप आधा आधा करके कप जो है ये तमाम फ्लावर जो है इसमें यहाँ पर एडअप हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिगिनिंग में 1.5 और उसके बाद आधा आधा बीच में कप डालिए और इसको अच्छी तरह एक डो की शक्ल मिले। इस तरीके से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है। अभी भी आप देख रहे हैं कहीं पर खुश्का है कहीं पर नहीं है, तो ये कि मेक श्योर कीजिए बोल
पे जितना भी खुशका लगा हुआ है ये तमाम तौर पर जो है, क्योंकि ये मेजरमेंट चीज़ें होती हैं, ज़रा सा भी यहाँ से वहाँ हो जाए तो आपकी चीज़ सही नहीं बनती और फिर आप ही कंप्लेन करते हैं, परेशानी उठानी पड़ती है। ये कर लें और ये देखें वर्किंग सर्फेस को साफ कर लें प्लीज़, और उस पर आप खुशका डाल लेंगे थोड़ी अच्छी अमाउंट का, और उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं भी कितना स्टिकी है, ये इस स्टिकीनेस को हमने करना है ख़त्म। कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक हाथ से इसको यूँ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से आपने इसको यूँ खींचना है, ये देखें इस लाइक यहाँ पर आप इसको पुल करते हैं और ये पुश है, पुल किया पुश किया, और साथ साथ इसको आप घुमाते जाएंगे, पुल एंड पुश, घुमाया पुल पुश फिर घुमाया। तो जैसे जैसे आप इसको यूँ गूंथते हैं आपने साथ साथ इसको खींचना है, और ये देखें और साइडें चेंज करते चले जाना है ताकि इक्वली गूंदा जाएगा, और इसकी पहचान क्या होगी, ये बिल्कुल इकट्ठा होकर एक स्मूथ बॉल की शक्ल में आ जाएगा। तो आपने इसको इस तरह अच्छी तरह गूंदना है, गिव इट अबाउट गुड 8 मिनट्स, 8 मिनट दे दें और आपका परफेक्ट डो तैयार हो जाता है। तो साथ साथ घुमाते जाएं, खींचें और धक्का बाहर को अपनी तरफ करें एंड देन आउट, देख लें परफेक्टली हो गया 8 मिनट। आपने इसको अच्छी तरह जो है इसको जो है गूंद लेना है सरफेस के ऊपर, और ये देख लें परफेक्ट इसकी हो गई। अब यहाँ पर वो बोल आप लेंगे, उसमें आप लगाएंगे अच्छा सारा तेल, और उसके बाद आप क्या करेंगे इसे ऐड कर लेंगे बीच में। बीच में ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह घुमा लीजिएगा ताकि तमाम जो है साइडों पे इसकी अच्छी तरह ऑयल लग जाए। ये कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक टी टावल लेंगे या जो आपके पास किचन में कपड़ा अवेलेबल है साफली इस्तेमाल कीजिएगा, उसे अच्छी तरह डैम्प कर लें गीला, और इसको आप यूँ जो है कवर करके रख देते हैं, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाते वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इट नीड्स टू राइज। तो आपने इसको एक वार्म जगह में रख लेना है, किचन साइज बात है वार्म होता है वहाँ पे रख लें। टिप आपको दे देती हूँ, अगर आपके पास जैसे आजकल मौसम ठंडा, आप क्या करेंगे अवन को आप गर्म करेंगे फुल ब्लास्ट पर, ठीक है, ब्रॉयल पर गर्म करने के बाद उसे आप बंद कर देंगे, उसके बाद आप इसको जो है ग्रिल को नीचे करके रख लें बिल्कुल नीचे, और इसको वहां पर आप प्लेस कर दें, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपका डो राइज हो जाता है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि अवन बंद कर दें, कवर कर दिया है वार्म जगह में इसको रखेंगे फॉर अबाउट 1 आवर और अंटिल आपका जो डो है डबल द साइज में हो जाता है। तो इसे अब रख लेते हैं, जब तक हमारा डो राइज हो रहा है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मक्खन को जो ऑलरेडी मेल्ट किया था इसको दोबारा थोड़ा मेल्ट करें क्योंकि वो जमना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर ही आप ऐड करेंगे जो आपकी ब्राउन शुगर है। ये ऐड कर लेने के बाद इसे आप मीडियम पर रख के तब तक साथ साथ हिलाते रहें ताकि चीनी चिपक ना जाए, और इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लें ताकि जो चीनी है बीच में डिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसे अच्छी तरह मेल्ट कर लें, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर देख लें जिस पैन में हमने इसको बनाना है, मैं पायरेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, शीशे का पैन है। अच्छी तरह आप इसको स्प्रे कर लें या बटर कर लें विद घी मक्खन के साथ, बटर के साथ, ऑयल के साथ। ये साइड पर हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पर कैरामल तैयार। देखिए वो चीज़ें जो उसके हमारे डो के राइज होने से पहले अगर कर लेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद इसी पैन के अंदर आप इसको ऐड कर लेते हैं कैरामल को। सिर्फ आपने इसको इतना मीडियम पे रख करके कुक करना है, साथ साथ हिलाते रहेंगे कि जो चीनी है बिल्कुल बीच में मेल्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए, और इसका कोई इतना ख़ास बीच में काम नहीं है। तो ये देखें ये हो गया हमारा कैरामल तैयार। उसके बाद आप क्या करते हैं, वॉलनट्स जो आपको बताए होंगे वो आप हाफ जो है इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, बाकी जो है वो हमारे स्टिकी सिनेमन में चला जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा काम, अब सिर्फ उसका जो है हमारे डो का इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे वही राइज हो जाएगा आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको अब हमने आगे से बनाना है। हमारा परफेक्टली राइज हो गया, अब हमने क्या करना है, जो ब्राउन शुगर है उसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमारी सिनेमन पाउडर है, और वॉलनट्स डाल रहे हैं बीच में डालकर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि ये हमारी जो सिनेमन बन है उसकी स्टफिंग है। ये करके इसको एक साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाने लगी हूँ कि जो डो है हमारा परफेक्टली, ये देखिए माशाल्लाह किस तरह राइज हुआ है। इसे जो है बीच में से निकाल करके जो वर्किंग सरफेस है इस पर हम थोड़ा डालेंगे पहले खुशका यानी कि प्लेन फ्लावर, और उसके बाद इसे जो है यहाँ पर रोल करते हैं। तो अब डाल करके एक दफ़ा हल्का सा जो है दोबारा हम इसको पंच डाउन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो बीच में एक्सेसिव हवा है वो निकल जानी चाहिए। सो जस्ट इतना ही करना है और कुछ खास नहीं। ये कर लेने के बाद ये देखें आप क्या करेंगे, थोड़ा हाथों से इसको पहले फ्लैट कर लें और फिर इसको आप बेल लें। तो इसको जो है पहले हम अच्छी तरह रोल आउट कर लेते हैं, रेक्टेंगल शेप में कर लीजिएगा। रेक्टेंगल जो है आपने इसको रोल कर लेना है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो मक्खन है आपने इसको मेल्ट करना है, और आप इसको इस पर बहुत अच्छी तरह जो है स्प्रेड करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि जो 1 इंच है
साइड्स आपने वहां पर नहीं बटर लगाना, बाकी आपने बीच में जो है अच्छी तरह बटर को लगा लिया, साइडें आपने छोड़ देनी है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर मिक्सचर है वॉलनट शुगर और सिनेमन का, ये आप अच्छी तरह जो है बीच में इसमें करके स्प्रेड आउट कर लीजिएगा, मिडल में कीजिए ज़्यादातर ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो यूँ आप इसको स्प्रेड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। ये देखें ऐसा कर लेने के बाद साइड से आप लेंथ वाइज उठाएंगे और आप इसको रोल करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा प्लीज बीच में कोई एक्सेसिव हवा ना हो आपकी डो में। तो इसे आप लेंथ वाइज में ये देखें आराम आराम से जो है टाइट करके रोल कर साइड से इसे आप जो है थोड़ा सा पिंच करेंगे इस तरह, ये देखें, और जो है ये कम्प्लीटली लॉक हो जाता है। इसी तरह इसको जो है अच्छी तरह पिंच कर लेने के बाद जो रिमेनिंग बटर है आपके पास में वो आप अच्छी तरह इसके ऊपर दोबारा जो है तमाम साइडों पर स्प्रेड कर लीजिए। ट्रे जो हमने तैयार की थी वो हो चुकी है यहाँ पर परफेक्टली। उसके बाद जो सिर्फ फर्स्ट बिट है वो हम यहाँ से चॉप ऑफ कर देंगे ताकि जो है अच्छा नीट बने, और उसके बाद आप इसको थिक चंक्स में काटेंगे और फिर आप इसे बीच में जो है ये सेट करते जाएंगे। सो इस तरह पीसेस काटें और इसे बीच में सेट करें। पीसेस को बीच में डाल सकते हैं आप, उसे बीच में लेयर आउट करके ऊपर दोबारा आपने जो है यहाँ पर अब कपड़ा टी टावल डाल करके आपने इसको रहने दिया है फॉर अबाउट एन आवर और अंटिल जो है वो डबल द साइज में होता है। तो उसको दोबारा जो है घंटे आधे घंटे के लिए छोड़ दें जब तक कि आपका डो दोबारा राइज। यहाँ पर आप देख लें, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से ये डबल द साइज में हो जाते हैं। इसके बाद इसकी बेकिंग स्टार्ट होती है। आप अवन को प्री हीट करेंगे 375 फ़ारेनहाइट 190 सेंटीग्रेड गैस मार्क 5 पर, और अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 25 से 30 मिनट के लिए, यानी कि 25 to 30 मिनट्स। तो इसको पहले बेक कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि ये बेक होकर कैसा दिखता है। आपने इसको बेक करना है, इट डिपेंड्स आपके अवन का क्या टेम्परेचर है किस तरह। मेरे परफेक्टली 25 मिनट लगे, यानी कि 25 मिनट्स में बेक हो गए, ऊपर से गोल्डन कलर है, परफेक्टली डन है। आप देख सकते हैं कि राइस करते हुए ब्रेड परफेक्टली है, पीसेस भी इंडिविजुअली निकलेंगे। सॉस जो हम नीचे बनाई थी यानी कि टॉफी सॉस वो नीचे होगी। इसे ठंडा हो जाने दें, सिर्फ 3 मिनट दें, और उसके बाद अगर आपके पास में एक लंबी डिश है तो आपने इसको साइडों से उठा के यूं फ्लिप कर देना है और जितना भी सॉस होगा आप उसके ऊपर लगाते हैं। मेरे पास एक लंबी रेक्टेंगल डिश नहीं है तो मैं इसको डिफरेंट प्लेट में डालकर थोड़ा सा सेट कर लूंगी और इट विल बी रेडी टू सर्व। तो ज़रा ठंडा होने दें फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट। ठंडे होने पर कितने आराम से देखें इंडिविजुअली उसके पीसेस निकल आते हैं, ये देखें, एंड इट्स परफेक्टली सॉफ्ट। और ये देखें हल्का सा मैंने इसको पोल किया, ब्रेड भी देखें कितनी ज़बरदस्त जो है सिमिन बन की तैयार हो चुकी हुई है। ये देखें इस तरह आप इसको निकालते हैं। मेरे पास एक्चुअली जो है वो फुल शेप में नहीं था, ये देखें टॉफी भी नीचे इन्वर्ट हो गई हुई है, एंड लुक्स लवली। और जब सुबह सुबह इसको आप नाश्ते के टाइम सर्व करते हैं तो क्या बात होती है इसकी। और इस तरह जो है पहले इसको डिश आउट अपसाइड डाउन करके रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप बेशक इसको यूं भी सर्व कर सकते हैं लेकिन ज़रा इस तरह खूबसूरत इसी लगता है क्योंकि जो टॉफ़ी और सारा कुछ है वो स्टिकीनेस यहाँ पर आ जाता है। और ज़रूर नहीं अगर नाश्तों के टाइम पे तो बहुत ही मज़ा लगता है चाय के साथ कॉफ़ी के साथ। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net। ज़रूर बनाइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।